दोस्तों अभी के समय में फ्री फायर के अंदर कस्टम की बारिश हो रही है और यहाँ पर बंदे लोगों ने बीआर रैंक को भी छोड़ दिया, सीएस रैंक को भी छोड़ दिया और सभी के सभी बस कस्टम के अंदर लगे हुए हैं और सुबह से लेकर रात तक बस कस्टम ही कस्टम खेल रहा है, क्योंकि 24 घंटों के लिए फ्री में मिल रहा अनलिमिटेड बार बना सकता है। तो इसमें लोग बाग भी यहाँ पर कस्टम का ही मजा उठा रहा है, क्योंकि कस्टम तो अब हमें डायमंड में मिलने लगे, इसलिए काफी सारे बंदे बस यहाँ पर कस्टम ही खेल रहा है। वो यहाँ पर कस्टम तो खेल रहा है लेकिन सामने वाले बंदे के हाथ मुंह भरा कर भी आ रहा है और वह जितने भी कस्टम खेलते हैं ज्यादातर कस्टम में हार हार कर आ रहा है। तो गाइज अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कस्टम का एक ऐसा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसका यूज यदि तुम कस्टम रूम के अंदर कर दो तो तुम कस्टम रूम को काफी आसानी से विन कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर है जो कि आपको हेडशॉट से भी बचाएंगे, इसके अलावा आपको एचपी की भी दिक्कत नहीं होगी, एनिमी की लोकेशन वगैरह भी आपको पता चलने वाली है, सभी चीजें इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस कॉम्बिनेशन से मैच के अंदर आपको एक अलग ही लेवल का फायदा देखने के लिए मिलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा जिससे आप एनिमी को काफी आसानी से निपटा सकते हो। फिर दोस्तों यदि आप उन्हें काफी आसानी से निपटा सकते हो तो आप काफी आसानी से कस्टम के अंदर बोया भी ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कस्टम का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो यदि बात करें एक्टिव स्किल कैरेक्टर की तो यहाँ पर आप किसी भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। अभी यदि बात करें मेरी तो दोस्तों मैं हमेशा कस्टम के अंदर के कैरेक्टर का यूज करता हूँ। आप यहाँ पर एक्टिव स्किल स्लॉट में किसी भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। देखो पहले के समय की बात अलग थी, पहले के समय में क्या होता था कि जिस भी बंदे को देखो कस्टम में 8 में से 7 या 8 के 8 ही बंदे क्या होता था स्कैलर कैरेक्टर को लेकर आ जाते थे। अब स्कैलर कैरेक्टर की मदद से हम ग्लूवल लगाते थे तो एचपी मिलती थी, इस तरीके से हमें वहां पर स्कैलर कैरेक्टर की मदद से फायदा मिलता था और उसकी मदद से हम ग्लूवल को भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन दोस्तों अभी के समय में क्या हो रहा है, अभी के समय में फ्री फायर में हर एक कैरेक्टर की एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है। पहले के समय में कोई एक ही कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता था तो लोग वाग उसी का यूज करते थे, जैसे कि कस्टम में स्कैलर का होता था। लेकिन दोस्तों अभी आप कस्टम के अंदर किसी भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप के कैरेक्टर का यूज कर लेना, इससे आपको मैच के अंदर एचपी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक्टिव स्किल कैरेक्टर आपको अपने हिसाब से देख लेना। अभी चलते हैं पैसिव स्किल कैरेक्टर की तरफ। तो सेकंड स्किल स्लॉट में आपको यूज करना है एंटोनियो कैरेक्टर का। अभी दोस्तों यहां पर आपको कस्टम के अंदर एंटोनियो कैरेक्टर का यूज क्यों करना चाहिए, इसकी एबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल की एबिलिटी बना दिया गया है। इसकी मदद से क्या होता है कि हमें हर समय पर 40 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट देखने के लिए मिलते रहते हैं। अब कोई भी एनिमी हमें डैमेज देता है तो पहले हमारे शील्ड पॉइंट पर डैमेज पड़ता है, उसके बाद हमें यहां पर डैमेज पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहां पर क्या सीन होता है कि एंटोनियो कैरेक्टर कई बार हमें हेडशॉट से बचा लेता है। कोई भी एनिमी हमें हेडशॉट मारता है तो हमें जो हेडशॉट है वो 225 का पड़ता है, 230 का पड़ता है, 235 का पड़ता है, तो वहां पर हम बच जाते हैं क्योंकि 40 शील्ड पॉइंट हमें एंटोनियो कैरेक्टर दे देता है, 200 एचपी तो हमारी रहती है। तो इस तरीके से हम यहां पर काफी आसानी से बच जाते हैं। और एंटोनियो कैरेक्टर की ये खास बात है कि यदि कोई भी एनिमी हमारे शील्ड पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो एंटोनियो कैरेक्टर वापस से उसे रिकवर भी कर लेता है बहुत ही जल्दी, 4-5 सेकंड के अंदर में। तो इस तरीके से आपको सेकंड स्किल स्लॉट में यूज करना एंटोनियो का। अभी चलते हैं हम तीसरे स्किल स्लॉट की तरफ। तो गाइज यदि बात करें तीसरे स्किल स्लॉट की तो यहां पर आपको यूज करना है मोको कैरेक्टर का। अभी आपको मोको कैरेक्टर की क्या एबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है, इसकी मदद से हमें सामने वाले एनिमी की लोकेशन पता चल जाती है, अब ये किस तरीके से काम करता है वो जानता है। तो दोस्तों यदि हम किसी भी एनिमी को डैमेज देते हैं, यहां पर आप मोको का भी यूज कर सकते हो, सीरो कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो। यदि हम किसी भी एनिमी को डैमेज देते हैं तो उसकी लोकेशन हमें पता चल जाती है 5 सेकंड के लिए, यदि आप मोको कैरेक्टर का यूज करते हो। लेकिन यदि एनिमी लगातार मूवमेंट करते रहता है तो उसकी जो लोकेशन है हमें 5 सेकंड के अलावा 6.5 सेकंड के लिए और पता चल जाती है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी एनिमी को डैमेज देते हो वो ग्लूवल के पीछे कहां छुपा है, क्या कर रहा है, ये सभी चीजें आपको पता चल जाती है यदि आप मोको कैरेक्टर का यूज करते हो। लेकिन यदि आप सीरो का यूज करते हो तो सामने वाले एनिमी यदि आपको डैमेज देता है तो सामने वाले एनिमी की लोकेशन आपको पता चल जाती है और जो मोको कैरेक्टर की एबिलिटी वो भी 4 बंदों पर वर्क कर लेती है और जो सीरो कैरेक्टर की एबिलिटी वो भी 4 बंदों पर काफी आसानी से वर्क कर लेती है। तो इस तरीके से यहां पर ये काम करता है। तो तीसरे स्किल स्लॉट में मोको या सीरो में से आपको एक का यूज कर लेना। अब यदि बात करें चौथे स्किल स्लॉट की तो दोस्तों यहां पर आपको यूज करना हयाटो या बोलफ्रा में से किसी एक कैरेक्टर का। अब यदि आप 1v1 खेलते हो तो दोस्तों वहां पर आपको यूज करना हयाटो कैरेक्टर का। लेकिन यदि आप 4v4 खेलते हो तो दोस्तों वहां पर आपको यूज करना है बोलफ्रा कैरेक्टर का। अभी देखो 1v1 में जो बोलफ्रा कैरेक्टर की एबिलिटी है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि बोलफ्रा की एबिलिटी का फुल यूज करने के लिए आपको 3 स्पेक्टेटर किसी भी तरीके से अपने ऊपर लाने हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आप स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो वहां पर तो वो काफी आसानी से आ जाते हैं, 1v1 में तो कभी भी आएगा ही नहीं, आपके ऊपर सिर्फ 1 स्पेक्टेटर आएगा जो कि आपका एनिमी रहेगा, उसके ऊपर कुछ आएगा ही नहीं। तो दोस्तों आप यदि 1v1 खेलते हो तो वहां पर आपको हयाटो एक अलग ही लेवल का फायदा पहुंचाएगा, उसकी मदद से आप सामने वाले एनिमी को ज्यादा का डैमेज दे सकते हो। लेकिन यदि आपको कोई एनिमी डैमेज देता है तो आपको कम का पड़ेगा। और यदि बात करें बोलफ्रा की तो यह हेड का डैमेज कम कर देगा और आप किसी भी एनिमी को हेड मारोगे तो उसको ज्यादा पड़ेगा, इस तरीके से यह काम करता है। तो यदि बात करें इस कॉम्बिनेशन की, सबसे पहले एक्टिव स्किल स्लॉट में आपको किसी भी कैरेक्टर का यूज कर लेना, इसके बाद आपको यूज करना एंटोनियो का, उसके बाद मौका है सीरू में से किसी एक का, और लास्ट में आपको हयाटो या बोलफ्रा में से किसी एक का यूज कर लेना है। तो यदि आप इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज अपने गेम के अंदर करते हो तो इससे आपको किस तरीके का फायदा देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले
यहाँ पर कोई भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर वो तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। फिर एंटोनियो कैरेक्टर, तो दोस्तों यदि आपको कोई भी एनिमी थोड़ा बहुत डैमेज देता है तो एंटोनियो कैरेक्टर उसकी शील्ड पॉइंट पर ही ले लेगा, आपकी एचपी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने देगा। लेकिन यदि सामने वाले एनिमी ज्यादा डैमेज देता है तो 40 डैमेज एंटोनियो कैरेक्टर अपने अंदर ले लेगा, बाकी का डैमेज आपको एचपी पर पड़ने वाला है, तो इस तरीके से कम डैमेज पड़ने देगा। और इसके साथ ही दोस्तों वहां पर क्या सीन होगा कि जो एंटोनियो कैरेक्टर है शील्ड पॉइंट बार बार रिकवर करते रहेगा, तो कोई भी एनिमी आपको बार बार डैमेज देते रहेगा तो आपको बार बार कम पड़ेगा, आपको पहले शील्ड पॉइंट पर पड़ेगा फिर आपको पड़ेगा, तो इस तरीके से एंटोनियो कैरेक्टर काम में आएगा। फिर उसके बाद एंटोनियो कैरेक्टर के बाद हमने मौका या सीरो में से एक कैरेक्टर का यूज़ किए थे, तो उसकी मदद से आपको सामने वाले एनिमी की लोकेशन पता चलती रहेगी। और लास्ट में हमने यूज़ किया था हैटो या बोलफ्रा में से किसी एक का, तो दोस्तों आप 1v1 खेलते हो तो आपको यूज़ करना है हयाटो का, लेकिन यदि आप 4v4 खेलते हो तो आपको यूज़ करना है बोलफ्रा कैरेक्टर का। तो इसकी मदद से क्या होगा कि आप सामने वाले एनिमी को ज़्यादा का हिट दे पाओगे, सामने वाले एनिमी आपको हिट से डैमेज देगा तो आपको कम पड़ेगा। और हयाटो की जो एबिलिटी है हिट पर भी वर्क करती है, पेयर पर भी और चेस्ट पर भी कहीं पर भी वर्क करती है। तो आपको इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ अपने गेम के अंदर जरूर से कर देखना। इसकी मदद से क्या होगा कि आप किसी भी एनिमी को काफ़ी आसानी से निपटा दोगे और कस्टम के अंदर काफ़ी आसानी से बोया ले पाओगे, और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से आपको कस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ आपको जरूर से कर देखना है।